पहली बार माझे की धरती से लगाया गया सिद्धू मूसेवाले का बुत। सिद्धू मूसेवाले के दोषियों नूं बजाउणा जैनी माहौल के गीत से पाबंदी लगाउणा भगवंत मान सरकार का तानाशाही रवैया। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट, लाइव भारत। गल इस तरह है, एक नौजवान जड़ा सी जिन्हें अपनी माँ बोली के जरिए पंजाब का नाम अपने गीतों के जरिए दुनिया भर च रोशन किया, एक बहुत वड्डा आइकॉनिक फिगर सी जिन्हों हर पंजाबी बच्चियां तो लैके बजुर्गों तक औरतों तो लैके आदमियों तक सारे पसंद करते। सिद्धू मूसेवाले की जिहड़ी काबिलियत सी, उहदी शोहरत जिहड़ी सी, वो निरी पंजाब या हिंदुस्तान की सरहदां तक ही नहीं, दुनिया भर के जिथे पंजाबी बोलने वाले पंजाबी जगत के लोग रहिंदे सी जिन्हां दी माँ बोली पंजाबी सी, ते तुसीं हैरान होवोगे दुनिया भर च कई लोग जिहड़े पंजाबी नूं फॉलो भी नहीं कर सकते, जिहड़े बोल भी नहीं सकते, उत्थों तक उन्हां दी इक मशहूरी सी बहुत ज़्यादा। तो अज मैनूं इस गल दा फखर है कि साडी पार्टी नाल ये नौजवान एक पासे उन्हां नूं साडी सोच दे नाल भी जुड़े सन, उन्हां दे जान दा सानूं बहुत गहरा दुख है। तो मैं अज इस मौके तो भगवंत मान जी मिस्टर पंजाब नूं भी यह कहना चाहना कि मान साहब कल ही एक नौजवान पंजाब की बच्ची ने जैनी जौल जिहदा नाम है उन्हें एक गीत लिखिया जिहड़ा मैनूं बहुत अफसोस होया जान के कि अज तुहाडी सरकार ने तुहाडे कहन ते वो यूट्यूब तो जिहड़ा उहदा गीत है उहनूं बैन करवाता। सारों नूं पहले तो समुचा जगत भगवंत मान जी तुहाडे कोलों ते तुहाडे सीएमओ चो इस गल की कलैरिफिकेशन मंगदा कि यह जिहड़ा यूट्यूब तो गीत उतारिया गया इहनूं बैन किया गया कि तुसीं करवाया, अपनी कलैरिफिकेशन दो। जे नहीं कलैरिफिकेशन दोगे तो उहदा मतलब है कि तुसीं भी इस खिते चो निकले हो, तुसीं भी एक स्टेज आर्टिस्ट हो, किसे टाइम ते तुसीं बदलाव की गल कीती, पंजाबी मां बोली की गल कीती, अज तुसीं क्योंकि तुहाडी पॉलिसीज़ के खिलाफ तुहाडी सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ ये गीत बड़े सुचजे ढंग नाल लिखिया गया। अज तुसीं पंजाबियां दी जुबान नूं हिंदुस्तान दे विच दबाने की कोशिश कर रहे हो, इहनूं सख्त शब्दां दे नाल मैं भी ते मेरी पार्टी इंडियन नैशनल कांग्रेस ते समुचा पंजाबी जगत इस दी विरोधता करे। जिवें असीं अपनी नौजवान बेटी जिन्हें गीत गाया ते लिखिया असीं उहदी पिट पिछे हाँ। भगवंत मान जी नूं मैं इह गल समझा देना चाहना, भगवंत मान जी इस ढंग दे नाल ये जिहड़ियां तुहाडियां पॉलिसीज है ने पंजाबियां ने हज़ारां सालां तों जिन्हां लोकां ने इहनां दी आवाज़ नूं दबाने की कोशिश की, हमेशा तगड़े होकर उहदा मुकाबला किया ते जित प्राप्त की, जे तुसीं ये कम करोगे तो वड्डे पैमाने ते तुहाडे खिलाफ जाएगा। तो मैं अज सिद्धू मूसेवाला जी के पिता भी उन्हां दे माता जी की भी गल सुनी है कि नौजवान बच्ची ने उन्हां नूं टैलीफोन करके कहा कि पंजाब सरकार के चंद अफसर टैलीफोन करके उन्हां नूं कहिंदे रहे ने कि तुहाडे खिलाफ असीं इहो जी FIR दर्ज करांगे, इहो जिहा केस दर्ज करांगे कि तुहाडी जमानत नहीं हो सकेगी। तो मेरे वल्लों पंजाब सरकार नूं इस गल की वॉर्निंग है, इहदे तों बाज आओ इस गल तों, जे तुसीं इस किस्म का कोई काम करोगे तो इंडियन नैशनल कांग्रेस का समुचा पंजाबी जगत जिहड़ी जैनी जौल है साडी नौजवान बच्ची उहदी पिट पिछे रहेगा। तो मैं इहदी इस गीत की प्रोरता भी करना ते गल भी कहना चाहना कि बिल्कुल सच है कि उन्हां दे घर दे विच वैन पई है, पंजाबी जगत दे विच अज जो हाल हो रहा साडे नौजवान बच्चों का वड्डे पैमाने ते पिंडां दे विच बैनर लग के नशा विक रहा, बैनर लग के ते तुहाडी एडमिनिस्ट्रेशन ते तुहाडी सरकार एक फेलियर साबित होई, ना तुसीं बरगाड़ी ना बैबल कलां ना कोटकपूरा ना साडे नौजवान वीर जिन्हां दी शहादतां होईयां ने अपनी धर्म की खातर अपनी इस पहचान नूं दी रखवाली करते हुए ना उन्हां नूं तुसीं जस्टिस दे पे।
ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਰਾਏਹੱਟ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਲਗਵਾਇਆ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਏਹੱਟ ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਰ ਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ